बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में शादी की तकरीब हर मजहब और हर सकाफत में मुनफरद अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस पाक रस्म को शरारती उनसर के रंग में डालकर इस रस्म को एक नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी मक्कार और घटिया कौम यानी कि यहूदियों की शादी के बारे में बताने वाले हैं। यहूदी लोग अपनी शादियों में कौन कौन से शर्मनाक काम करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि यहूदी अपने खूनी रिश्तों के साथ किस तरह सबके सामने शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो वाहिद कौम है जिसने अपने ही मज़हब में अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी लोग भी नावाकिफ़ हैं, और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि जिनका मकसद यहूदियों को मुकद्दस सरजमीन यानी फ़लस्तीन में आबाद करना था। यहूदी वो वाहिद कौम है जो अपनी कौम के बासियों के अलावा किसी और कौम या मजहब में शादियां नहीं करते, और ये इसलिए करते हैं ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपनी मर्जी के बनाए हुए मजहब को और वसी कर सकें। यहूदियों की शादियां इनके अपने मजहब के बरअक्स होती हैं, यानी जो इनका असल मजहब है उसके खिलाफ होती हैं, जिनके मुतल्लिक तौरात में अहकाम इलाही भी मौजूद हैं। इनके खुद के बनाए हुए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भांजी या भतीजी से शादी कर सकता है, लेकिन असल यहूदी मजहब में ये बात बिल्कुल मना है कि यहूदी अपने भाई की बेटी या फिर अपनी बहन की बेटी से शादी नहीं कर सकते। और इसी तरह यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या फिर अपनी बहन के बेटे से निकाह नहीं कर सकती, मगर ये लोग अपने असल मज़हब के बरखलाफ ऐसा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान उनकी दुल्हन को ना देख सकें और ना ही ये जान सकें कि वो कौन है। शादी में मौजूद यहूदी रबी इनको दुआएं देता है। ये सब यहूदियों के उन ख़ानदानों में सबसे ज़्यादा है जो यहूदी तालीमात पर सख्ती से अमल पैरा हैं, और यहूदियों का मानना है कि एक 13 साला लड़का और 13 साला लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में चंद तरामीम की गई हैं और अब इस कानून को बदलकर यूं कर दिया गया है कि अब 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनकी शादियों का सबसे शर्मनाक तरीका ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकती है, जिसे हम जिन्स परस्तों की शादी कहा जाता है, और इसी अकीदे को आज ये लोग दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी यहूदी मौजूद हैं जो हम जिन्स परस्ती के बहुत खिलाफ हैं, और प्यारे दोस्तों, एक ऐसा अकीदा जो यहूदियों ने खुद ही अपने आप पर मुसल्लत कर लिया है, वो अकीदा ये है कि जब किसी औरत का शौहर मर चुका हो लेकिन उसकी कोई औलाद ना हो, तो इनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या फिर ज़बरदस्ती फौतशुदा मर्द के भाई से कराई जाती है, और किसी और यहूदी को उस बेवा औरत के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं होती, और अगर शादी से उनकी औलाद होती है तो तब भी उस औलाद को उसके फौतशुदा शौहर की वल्दियत दी जाती है, ना कि उसके मौजूदा शौहर की। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मुखालफत की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मजहब में इस बात की भी इजाज़त है कि कोई भी अपने खूनी रिश्तों जैसा कि अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन या यहां तक कि अपनी दादी या नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह औरत को भी यह इजाजत है कि वो अपने बाप से, अपने भाई से या फिर अपने चचा से शादी कर सकती है। नाज़रीन, यहूदियों में यह रवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कुंवारी हो तो उसकी शादी हमेशा बुध के रोज ही की जाती है। उनकी रवायात के मुताबिक ऐसा करने से उस पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की अजीबोगरीब रस्में यहूदियों में पाई जाती हैं, वो ये कि अक्सर यहूदी अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि ये उस दिन को
अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं और इनका ये रोज़ा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के इख्तिताम तक होता है, जिसके बाद दुल्हन और दूल्हा इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी उस वक़्त तक नहीं होती जब तक वो रोज़ा रख कर दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे बैठकर खाना ना खा लें, और ऐसा करने से ये समझते हैं कि इनके तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ा रखने के बाद, खाना खाने के बाद दुल्हन अपने दूल्हा के गिर्द 3 बार या 7 बार घूमती है। इनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से वो तमाम शैतानी कुव्वतों, शैतानी असरात और चालों से महफूज हो जाते हैं। और यहूदियों का यह भी मानना है कि जब तक ये नया शादीशुदा जोड़ा शादी की तकरीब के बाद एक गिलास तोड़ नहीं देता, तब तक इनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। और गिलास तोड़ने की रस्म के पीछे यहूदियों का मानना है कि इस तरह वो अपने दरमियान तमाम हदों को ख़त्म कर देते हैं, यानी दोनों लड़का और लड़की अपने दरमियान तमाम किस्म की हदों को तोड़ देते हैं। और ये इनके लिए एक सबूत के तौर पर लिया जाता है कि दोनों मरते दम तक ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्यारे दोस्तों, यहूदियों में 1 से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है, लेकिन शादियों की तादाद पर कोई कैद नहीं है। एक मर्द जितनी चाहे शादियां कर सकता है जब तक कि उसका रबी उसको मजीद शादियों से मना ना कर दे। अगर किसी शख्स को उसका रबी शादियों से मना कर दे तो वो बाकी तमाम उम्र शादी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, यहूदियों में तलाक का अमल भी बड़ा दिलचस्प होता है। वो ये कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो बग़ैर किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, और तलाक की सूरत में वो अपनी बीवी को उसी वक्त घर से निकाल देता है और कोई उसे नहीं पूछ सकता कि तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी है। प्यारे दोस्तों, यहूदी लोग तलाक देने के बाद खरगोश का, खंजीर का और ऊँट का गोश्त नहीं खाते। यहाँ तक कि कुछ यहूदी अपने आप को मछली खाने से भी रोक लेते हैं। इनके लिए सिर्फ वही खुराक हलाल होती है जिसे छीला गया हो, और बड़े बड़े स्टोर्स में लेबल लगाकर ऐसी अशिया को रखा जाता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ तलाक याफ्ता अफराद के लिए होती हैं, और वही लोग इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। यहूदी अपने मज़हब के सिवा किसी दूसरे मज़हब के शख्स के साथ खाना खाने को भी बुरा समझते हैं। यहूदी इबादत करने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाथों को धोते हैं, फिर एक बड़ी सी चादर अपने कंधों पर ओढ़ लेते हैं, और ये ख्याल रखा जाता है कि इस चादर को किसी भी औरत ने इससे पहले ना पहना हो, वरना वो चादर कोई भी यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करता। एक यहूदी इस चादर को इबादत के दौरान ही फक्त पहन सकता है, इबादत के बाद वो इसे नहीं पहनता। यहाँ तक कि जब वो मर जाता है तो उसे इसी चादर में लपेट कर दफनाया जाता है। यहूदियों में एक लड़का 13 साल से और एक लड़की 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं। जैसे ही कोई लड़का या लड़की इस उम्र को पहुंच जाते हैं तो इन्हें इनके इबादत खानों में लाया जाता है, जहां वो एक बाकायदा तकरीब मुनक्कद करते हैं और खुशी मनाते हैं कि खुदा ने इनके बेटे को या फिर बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया है। प्यारे दोस्तों, ये लोग शादी के फौरन बाद कोहे तूर पर आते हैं और अपनी पहली रात कोहे तूर के रास्ते में दोनों मियां बीवी एक कंबल के अंदर गुजारते हैं। इनका ख्याल है कि ये अमल सालेह औलाद के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रस्म आज भी कायम है क्योंकि कोहे तूर की चोटी दुनिया का वो वाहद मकाम है जो कि तीनों आसमानी मजाहब के मानने वालों के लिए बहुत ही मुकद्दस है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की मालूमात भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।